कोरोना का कहर दुनिया भर में एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना को लेकर फ्रांस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में कोरोना महामारी की पांचवी लहर की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे पड़ोसी देशों में भी पांचवी लहर आ चुकी है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि हमें देश में कोरोना महामारी की पांचवी लहर की शुरुआत जैसी स्थिति दिख रही है। पड़ोसी देशों में यह लहर पहले ही आ चुकी है। पड़ोसी देशों के डेटा को देखकर लग रहा है कि ये पिछली लहरों की तुलना में अधिक गंभीर हो सकती है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने आगे कहा, ज़्यादा वैक्सीनेशन और स्वच्छता उपायों के साथ पांचवी लहर को कमज़ोर कर सकते हैं, मुमकिन है उसे पूरी तरह से हरा दें। आगे जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस में कोरोना के अब तक 73.46 लाख से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, वहीं करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.